केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत की। वहीं बाल वाटिका के जरिए प्राथमिक शिक्षा में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। इस दौरान मंत्री प्रधान ने कहा, उत्तराखंड विद्वानों की भूमि है। नई शिक्षा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए राज्य से कई नए विचार आएंगे। उन्होंने कहा, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करने होंगे कि 100% बच्चे बाल वाटिका में प्रवेश लें। नई शिक्षा नीति मानव जीवन के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य उच्च शिक्षा विभाग ने नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए चरणबद्ध तरीके से प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में तैयार की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक नए मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखेगी। एमके न्यूज की डेस्क रिपोर्ट। 21वीं सदी के नवीन आधुनिक और सशक्त और आत्मनिर्भर के भारत के नए आयामों को खोलने वाली है, जिसमें सभी प्रकार का समावेश किया गया है, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। कैसे व्यक्तित्व का विकास होगा, कैसे कौशलम होगा, कैसे अन्य काम होंगे, किस प्रकार से शिक्षा होगी, उनका सबका विस्तार से इसमें उल्लेख है। देश के बहुत सारे हमारे ख्याति जो शिक्षाविद हैं, विद्वान हैं, उनके द्वारा भारत की नई उम्मीदों और नई आवश्यकताओं की पूर्ति का भी नई शिक्षा नीति को एक माध्यम बनाया गया है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश की विकास को गति देने में उसकी युवा पीढ़ी और आने वाले जो नौनिहाल हैं, जिनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी उन सभी को जहां मिशन कर्मयोगी की संज्ञा दी है।